कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, नमस्कार साथियों, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर हम आपके पास आए हैं और थोड़ी ही देर में हमारी घुमंतू चाची भी पहुंचने वाली हैं। हाँ, अरे मैं आ गई, पैदल ही आ रही हूँ, मेरी साइकिल में हवा ही नहीं थी। अरे चाची, साइकिल में हवा नहीं थी या टायर में? अरे टायर में हवा नहीं थी। चलिए साथियों, हम सभी मिलकर देखते हैं हमारी घुमंतू चाची क्या लेकर आई है। मेरे झोले में है कार्ड्स। घुमंतू चाची तो बहुत से कार्ड्स लेकर आई हैं। ये है झरना, ये है झूला, ये है झोपड़ी। तो समझ पाए आप लोगों को मैं ये चित्र कार्ड क्यों दिखा रही हूँ? ठीक समझा, इन सब में पहली आवाज झा की आ रही है। झरना, झूला, झोपड़ी। झा से झगड़ा भी होता है पर करना नहीं है। तो साथियों, आप सबने झा अक्षर से शब्द बनाना तो सीख लिया, लगे हाथ झा लिखना भी सीख लेते हैं। सब्र करो, अभी बताती हूँ झा लिखना। ई अक्षर की शक्ल बनाओ, उसमें एक छोटी सी रेखा बनाकर साथ में एक डंडा लगाओ, झरना का झा झटपट पाओ। घुमंतू चाची ने तो बहुत ही सरल तरीके से झा लिखना सिखा दिया। चलिए आप लोग भी झा लिखने का अभ्यास कीजिए। झ। तो चलो अब एक गाना भी हो जाए। झरना बहे झर झर, झूला झूले सर सर, झोपड़ी में चलो भाई झाड़ू लगाए झटपट। झरना बहे झर झर, झूला झूले सर सर, झोपड़ी में चलो भाई झाड़ू लगाए झटपट। देखते हैं घुमंतू चाची के झोले में से और क्या निकल रहा है। दरवाजा, दरी, दांत। अच्छा, आपके घर में द आवाज की कौन कौन सी चीजें हैं? जरा नजर तो घुमा कर देखिए। दीवार, दाल, दवात, दादाजी, दादी जी। द अक्षर से आपने तो बहुत से शब्द बना लिए। चलिए अब लिखना भी सीख लेते हैं। ट लिखना तो आपने सीखा ही है, बस ट के नीचे एक छोटा गोला बनाकर टांग खींच लो, बन गया द। चलिए अब द लिखने का अभ्यास शुरू करते हैं।
द। घुमंतू चाची ने तो आपको द लिखना भी सिखा दिया। अब कुछ पहेलियां हो जाएं। दिवाली के दिन मुझे जलाओ, जगमग जगमग रोशनी पाओ, बुझो बुझो। दिया, बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए एक और पहेली बूझिए। मुंह के अंदर हम, रंग हमारा उजाला, बूझो बूझो नाम बताओ, समय न लो तुम ज्यादा। अब बूझो तो जानू। सही जवाब, दांत। पहेलियां तो आपने बूझ ली, आप खुद भी कुछ पहेलियां बनाइए और अपने साथियों को बूझने को कहिए। अब बारी है ल अक्षर की। चलिए देखते हैं ल से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। लड़की, लड़का, लकड़ी, लट्टू। जरा ये लाइन पढ़कर तो देखें। लड़का कूदे धम धम धम, लड़की नाचे छम छम छम। लड़का लकड़ी लेकर आया, फिर उसने लट्टू को नचाया। अब जरा इसमें खोजिए ला आवाज के कौन कौन से शब्द हैं। लड़का, लड़की, लकड़ी, लेकर, लट्टू। एक बार फिर से दोहराएं। लड़का, लड़की, लकड़ी, लेकर, लट्टू। चलिए अब हम ल लिखना भी सीख लेते हैं। एक लंबी रेखा खींचो, छोटी सी एक दुम लगाओ, एक बड़ी दुम और लगाओ। शिरोरेखा खींचकर ल की शक्ल अब तुम पाओ। साथियों, आप सभी ल लिखें, तब तक मैं कुछ खोज कर आती हूं। ल, लट्टू है, लड्डू है, लड़का है, लड़की है, लड़की खाए लड्डू, लड़का घुमाए लट्टू, लट्टू घूमे गोल गोल, लड्डू खाकर मीठा बोल, लकड़ी न जाने कहां गई, यही कहीं पे खो गई। चलो खेलते हैं अब एक खेल। शब्द कार्ड सही स्थान पर रखें। लकड़ी, दांत, झोपड़ी, लोटा, दवात, झरना, लड़की, झूला, लट्टू, दही, झोला, दरवाजा। मजा आया इस खेल में? तो चलिए एक और खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी, आप उस शब्द को जोड़कर कुछ बोलेंगे। तो मेरा पहला शब्द है दरवाजा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। बहुत अच्छा। अब मेरा दूसरा शब्द है झूला। मुनिया झूला झूल रही है। अगला शब्द है लोटा। मैं लोटे से पानी पीता हूँ। अब मेरा अगला शब्द है लट्टू। मुझे
लट्टू नचाना आता है। ये खेल आपने बहुत अच्छी तरह से खेला। चलते चलते एक और खेल खेलते हैं। मैं कुछ बोलती हूँ, उसके चित्र को क्रम से लगाना है। बोरी से चारा निकालकर नाद में डाला, दामोदर झोपड़ी से निकला, फिर वो खेत की तरफ चल दिया। तबेले में अपनी गाय झुमरी के पास गया। तो इसका सही क्रम हुआ, दामोदर झोपड़ी से निकला, तबेले में अपनी गाय झुमरी के पास गया, बोरी से चारा निकालकर नाद में डाला, फिर वो खेत की तरफ चल दिया। तो साथियों, आज आप सबने घुमंतू चाची के साथ कई खेल खेले। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। झ द ल की पहचान, झ द ल से बनने वाले शब्दों की पहचान व पढ़ना, झ द ल लिखना, झ द ल से नए शब्द बनाना, नए नए खेल खेलना। अगले कार्यक्रम में कुछ और नया सीखेंगे। नमस्कार।